हाँ, ये इथ्रोसाइट यानी लाल रक्त कणिका किस दर से सेडिमेंट होती है, इसको हम पता करने के लिए दो ट्यूब का यूज करते हैं, वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब्स और विंट्रोब ट्यूब्स। इसमें हम एक एंटीकोआगुलेंट मिला करके ब्लड को उसमें स्टैंड में खड़ा कर देते हैं, फिर ये देखते हैं कि किस रेट से इसका सेडिमेंटेशन होता है यानी इसका थक्काकरण होता है।